तीर्थयात्रियों की मौत पर फूट फूट कर रोए नौगांव, चिताओं पर नौ दंपत्ति, घरों में चूल्हे नहीं जले, बिना बैंड बाजे निकली बारात। उत्तराखंड में चार धाम के दौरान यमुनोत्री के रास्ते हुए बस हादसे में 26 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। इनमें मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के 25 तीर्थयात्री थे। सभी तीर्थयात्रियों का मंगलवार को अंतिम संस्कार हुआ। मृतकों में नौ दंपति थे जिनका एक ही चिता पर अंतिम संस्कार हुआ। मृतकों में 8 लोग सांटा, 2 पवई, 2 सिमरिया, 1 चिखला, 4 मोहंद्रा, 2 कुंवर, 2 कुंवरपुर, 2 कौनी, 2 ककरहटा, 2 उड़ला गांव के थे। सबसे ज्यादा मार्मिक दृश्य सिमरिया क्षेत्र के बुद्ध सिंह साटा का है। यहां 8 लोगों की मौत से मातम पसरा है। मंगलवार सुबह 8 बजे जैसे ही द्विवेदी परिवार की एक साथ 6 आरतियां उठी, हर किसी की आंख भर आई। माँ और घर के मुखिया पिता को होने वाले बच्चे सदमे में है। साटा के द्विवेदी परिवार के 3 दंपत्ति इस यात्रा में शामिल थे। तीनों दंपत्ति की चिताएं साथ जली। बुद्ध सिंह साटा गांव के योगेश द्विवेदी ने बताया कि सबसे पहले ग्रामीणों ने डॉक्टर साहब राजा राम सिंह, उनकी पत्नी गीता सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर अंतिम संस्कार कराया। इसके बाद द्विवेदी परिवार की 6 अर्थिया सोनार वेरमा नदी के संगम के पास मुक्ति धाम लेकर पहुँचे और अंतिम संस्कार किया। वेद नारायण ने बताया कि 6 लोगों के लिए 4 चिताएं बनाएंगे। पहली चिता में दिनेश प्रसाद द्विवेदी, पत्नी प्रभा द्विवेदी, दूसरी चिता में उनकी माँ, तीसरी चिता में चचेरे भाई हरी नारायण द्विवेदी, उनकी पत्नी हरीबाई, चौथी चिता में भाई रूप नारायण का दाह संस्कार किया गया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।